प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे काशी विश्वनाथ में करेंगे पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 339 करोड़ का काशी प्रोजेक्ट है ये, और देश को करेंगे समर्पित। ये प्रोजेक्ट आज देश को समर्पित होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल वाराणसी के दौरे पर है। और सबसे अहम चीज है कि आज दोपहर 1 बजे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे, और इसके बाद करीब 339 करोड़ की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का आज उद्घाटन होने वाला है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम नरेंद्र मोदी का काफी पुराना सपना था, और इस सपने को साकार करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग के सूजन की एक परियोजना के रूप में काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल, इस पुनीत कार्य को शुरू करने के लिए 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। हालांकि अब काशी को फिर से नई पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करने वाले हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी, और इसमें माना जा रहा है कि लगभग अलग अलग जगह से 500 संत आने वाले हैं, जो इस दिव्य भव्य कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। 11 ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठ जो हैं, वहां से जो साधु संत समाज है वो यहां पर जुड़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। यानी इतना पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। 339 करोड़ का ये प्रोजेक्ट, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचकर इस दिव्य भव्य मंदिर का उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, तो आज काशी में है पीएम मोदी, और देखिए सबसे प्राचीन शहर है काशी, और ऐसे में अगर अतीत को देखा जाए तो उस भव्यता से निकलकर अब जो काशी सबके सामने आने वाली है उसकी भव्यता जो है वो प्रशंसनीय है। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे लोकार्पण करने वाले हैं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और यहां पर वो 30 घंटे बिताने वाले हैं। 30 घंटे का प्रवास आज काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहने वाला है, और आज से ही 1 महीने ये भव्य कार्यक्रम चलेंगे। और इसी पर हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ सरफराज सैफी जी जुड़ रहे हैं। सरफराज जी, 2019 में जब पीएम मोदी आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ किसी ने भेजा नहीं है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है, और ऐसे में काशी हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में रहा। सबसे अहम चीज इसकी कनेक्टिविटी को लेकर जिस तरह से उन्होंने काम किया है, देखिए अहमदाबाद से सीधी ट्रेन जोड़ रहे हैं, यानी गृह क्षेत्र से संसदीय क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी को और स्ट्रांग किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से काशी की कायापलट हो रही है, और पिछले 7 सालों में जितना काम काशी में हुआ है, जब से प्राचीन शहर है उतना काम कभी किसी सरकार ने नहीं किया है। आप जानते हैं, और जो काशी के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि कितना सकरा शहर है, और जो आज काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन कर रहे हैं उससे कई बड़े फायदे होने वाले हैं। साधु संतों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये काशी के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है, और प्रधानमंत्री का विशेष लगाव है काशी से, बाबा भैरव से, और इसीलिए वो लगातार काशी को पिछले 7 सालों से वो काम कर रहे हैं, और काशी की जो आवाम है, जनता है, वो उनको पसंद करती है। मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो सूत्रों के हवाले से मुझे खबर मिली है, वो 11 बजे विशेष विमान से बाबतपुर एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और इस एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए वो संपूर्णानंद जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां पर हेलीपैड बनाया गया है, वहां से वो सड़क के जरिए भैरव मंदिर का दर्शन करने जाएंगे। तकरीबन 5 मिनट तक वो वहां रहेंगे और बाद में राजघाट जाएंगे। इसके अलावा जो मुझे जानकारी मिल पाई है सूत्रों के हवाले से, वो राजघाट से क्रूज पर सवार होकर गंगा नदी के रास्ते में जो ललिता घाट है वहां पहुंचेंगे,
ललिता घाट पर जो जेटी से उतरकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कच्ची विश्वदार जो कॉरिडोर है वहां पहुंचेंगे। तकरीबन 12 बजे से दिन के 3 बजे तक ये शुभ मुहूर्त का वक्त निकाला गया है। पूरी विधा विधान के साथ में काशी धाम का लोकार्पण करेंगे। तकरीबन 22 मिनट तक उनका विशा जो पूजा अर्चना होगी, विशेष पूजा अर्चना होगी, वो वहां पर करेंगे। और पूजा अर्चना में बहुत खास लोग रहने वाले हैं, कोई वहां पर अंदर नहीं जाएगा। इसके अलावा जो पूजा करने के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुस पर सवार होंगे और रविदास घाट पहुंचेंगे। बनारस रेल जो इंजन कारखाना है वहां जाएंगे, फिर गेस्ट हाउस में 3 घंटे तक वो तकरीबन विश्राम करेंगे और उसके बाद में तकरीबन 5:30 बजे के आसपास रविदास घाट सिर्फ से पहुंचेंगे और वहां से कुरुस पर भ्रमण करते हुए आरती देखेंगे। गंगा की जो शाम को होती है, बहुत मशहूर आरती होती है, मैं भी उसमें शामिल हुआ हूँ। आज हम भी फिर उस नजारे को आपको भी दिखाएंगे और दर्शकों को भी दिखाएंगे। गंगा आरती के बाद में बीजेपी शासित के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं उनके साथ में वो अपना बैठक करेंगे, अपना जो नाश्ता करना है या बातचीत करनी है वो करेंगे। और उसके बाद में तकरीबन 3,000 जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं और जो कर्मचारी हैं उनके साथ में वो बातचीत करने वाले हैं। तकरीबन पूरे देश की अगर मैं बात करूं तकरीबन 51,000 और इसके अलावा बड़े लेवल पर तैयारी की गई। हालांकि जेपी नड्डा यहां पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा के पहुंचने के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। सूबे की जो मुख्यमंत्री है, माफ कीजिएगा, सूबे की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो यहाँ उनकी अगुवाई करेंगी। तो एक बहुत बड़ा भव्य काम करेंगा और भव्य मंदिर, माफ कीजिए, भव्य जो काशी कॉरिडोर का जो मामला होगा, काशी कॉरिडोर का जो लोकार्पण होगा, उससे बहुत लोगों को फायदा होने वाला है, श्रद्धालुओं को बहुत फायदा होने वाला है। और चूंकि आस्था से जुड़ा मुद्दा है तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितना ज्यादा जो यहाँ पर लोग आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनको बहुत फायदा होने वाला है। चूंकि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री, सबसे प्राचीन शहर है काशी और ऐसे में काशी की भव्यता जो है वो और ज्यादा निखरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो इतिहास रहा है वहां पर लगातार देखा गया है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए देश ही नहीं विदेश से भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। सरफराज जी, आप बने रहिए, आगे भी आपसे बहुत सारी जानकारियां हम लेने वाले हैं। तय रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंचेंगे, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 1 बजे काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। 339 करोड़ का काशी प्रोजेक्ट है जिसे आज पीएम मोदी देश को समर्पित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल वाराणसी में रहने वाले, लगभग 30 घंटे का ये प्रवास रहेगा और आज दोपहर करीब 1 बजे प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। और पहली बार ऐसा इतिहास में होगा जब यहाँ पर यानी काशी विश्वनाथ में एक बैठक की जाएगी और ये कैबिनेट बैठक पहली बार ऐसा है, योगी बैठक जो होने वाली है, योगी कैबिनेट की बैठक, कि पहली बार इतिहास में कोई मंदिर में इस तरह की बैठक का आयोजन किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि काशी के कायाकल्प के लिए सरकार ने जो प्राथमिकता दिखाई है उसने कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का भी दिल जीता है, काशी का विकास किया है और काशी को एक नया भव्य दिव्य रूप दिया है। बिल्कुल, तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। ये भव्य रूप दिया गया है, ये जो सपना इतना पुराना था वो अब पूरा होने वाला है। तकरीबन करीब 339 करोड़ रुपए की लागत से बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन आज होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम नरेंद्र मोदी का काफी पुराना सपना था और इस सपने को साकार करने के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी के तट से जोड़ने के लिए एक सुगम मार्ग के सृजन की एक परियोजना के रूप में काशी विश्वनाथ धाम की परिकल्पना की गई है। बिल्कुल, तो इस पुनीत कार्य को शुरू करने के लिए 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा इस परियोजना की आधारशिला रखी गई। हालांकि अब काशी को फिर से नई पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी इस कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए। पहले काशी का रुख कर लेते हैं। शेखर, क्या चकाचौंध आज देखने को मिल रही है काशी में? आज काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? हर हर महादेव चारुल,
इसमें कोई दो राय नहीं है कि काशी इस समय पूरी तरीके से अभिभूत है। भोले के रस में, भोले की भक्ति में यहाँ जो आ रहा है, हर हर महादेव के नारे लगा रहा है, हर हर महादेव हर तरफ गुंजायमान है। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं, ये काशी विश्वनाथ धाम के जो कॉरिडोर का मुख्य द्वार है, जिसको छत्ता द्वार भी बोला जाता है, ठीक उसके सामने है। आप यहाँ पर नजारा देखिए, ये 700 करोड़ रुपए की जो एक पूरी परियोजना है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की, उसका ये मुख्य द्वार है। ये पहले क्या था कि तीन तरफ से घिरा हुआ था, एक सड़क जा रही है जिसपे हम खड़े हैं, और उसके बाद एक दाहिने बाएं और पीछे की तरफ ये पूरा इलाका तीन तरफ इमारतों से घिरा हुआ था, और जो मंदिर परिसर था वो करीबन 18,000 स्क्वायर फीट के आसपास था। अब ये पूरा प्रांगण 5.5 लाख स्क्वायर फीट का हो चुका है, यानी जो अधिग्रहण किया गया उसके बाद 5.5 लाख स्क्वायर फुट में अब ये भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम बसाया गया है। जो बहुत सारे यहाँ पर प्राचीन मंदिर थे वो खुदाई में मिले हैं, बहुत सारे यहाँ पर ऐसे देव विग्रह मिले हैं जिनको इसी परिसर के भीतर स्थापित किया जाएगा। 145 शिवलिंग, 97 विग्रह और 27 मंदिर ये इस 5.5 लाख स्क्वायर फीट के प्रांगण में होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए मेरे ठीक सामने से इस तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और पैदल ही इसके बाद वो कॉरिडोर के भीतर प्रवेश करेंगे। ये पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर के भीतर जब दर्शन करने जाएंगे, जलाभिषेक करने जाएंगे, तो पैदल जाएंगे। ये भी बहुत दिलचस्प है कि खिड़किया घाट से लेकर और यहाँ तक प्रधानमंत्री जलयान के द्वारा आएंगे और फिर पैदल आगे की यात्रा करेंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से ये पूरा परिसर तैयार किया गया, तीन चरणों में ये परिसर तैयार होना था, इसका पहला चरण पूरा हुआ है। 33 महीने से यहाँ पर मशीनें गरज रही थी और इस भव्यता को, इस दिव्य रूप को सामने लाने के लिए लगातार दिन रात काम हो रहा था। कोविड की दो लहर निकल गई, लेकिन यहाँ काशी विश्वनाथ धाम में काम रुका नहीं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ कोई वाकया भी नहीं हुआ। इस मंदिर परिसर के आसपास कोरोना का जो इफेक्ट देश भर में देखा जा रहा था, उस सबसे अछूता रहा। ये भोले की महिमा है, यही काशी की महिमा है। अब यहाँ पर जो मंदिर है, जहाँ लोग पूजा पाठ के लिए जाते हैं, जहाँ जलाभिषेक करते हैं, फिलहाल वहाँ पर आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की प्रक्रिया को रोका गया है और एसपीजी ने पूरा यहाँ पर अपने घेरे में ले लिया है परिसर को। ये पहले ही ले लिया था, लेकिन अभी जो दर्शन है उसको रोक दिया गया है। सुबह 3 बजे से यहाँ पर दर्शन की प्रक्रिया चालू थी और लगातार ये दर्शन की प्रक्रिया। शेखर, आप बने रहिए हमारे साथ, काशी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है, इसके आगे भी आपसे जानकारियां ली जाएंगी। हमारे साथ संवाददाता मदन भी जुड़ गए हैं। मदन, आपके पास आना चाहेंगे। कई सारे कवियों ने काशी की गलियों का जिक्र किया है और किस तरह से छोटी छोटी गलियां जो थी वो काशी की पहचान थी, अब उन गलियों ने विकास का रूप ले लिया है। कायाकल्प के बाद कैसी दिखती है काशी? चलिए बताना चाहूंगा, कहा जाता है की काशीपाल यानी की बिना भैरव के इजाजत के बिना कुछ काशी प्रवेश नहीं कर सकता है और उसकी इजाजत बिना कोई जो है आगे का कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसे में कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज बाबा काल भैरव के कहा जाए कि गलियों का शहर वाराणसी, जहाँ पर लोग मतलब पहले तंग गलियों में रहते थे, आज वह है पूरे हो गए हैं। और जिस तरह से जब हम बात करते हैं तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो संसदीय क्षेत्र है, ये क्षेत्र में जो विकास की बात कही, विकास लगभग जो है
मदन जी, जहाँ पर आप खड़े हैं काशी के कोतवाल हैं वो, और काशी के कोतवाल के दर्शन के बाद ही आप काशी में जाते हैं और बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। हम चाहेंगे कि जो तस्वीरें हैं वहां पर वो आप हमें दिखाएं, ताकि हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी देख पाए इस वक्त काशी की भव्यता क्या है। जी बिल्कुल, दिखाना चाहूंगा कि बाबा का दरबार है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और सर्वत्र अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्थिति भी पहुंच गई है, थोड़ी देर के बाद दर्शन को भी बुक किया जाएगा। तो अगर बात हम करते हैं दरबार में चाहे कोई अधिकारी अगर है तो वो भी जो है सबसे पहले बाबा के दरबार है जो है लोग यहाँ। चलिए मदन जी, आपकी आवाज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, शेखर का रुख कर लेते हैं। शेखर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब इस योजना से, इस परियोजना से व्यापारियों को कितनी सुविधा होगी, उनको क्या कुछ फायदा होगा? अयोध्या हो, काशी हो या मथुरा हो, ये हिंदुस्तान के वो भूमि हैं जिससे हिंदुस्तान की पहचान है। तो अयोध्या का विकास हो, मथुरा का विकास हो या काशी का विकास हो, ये तीनों ही जगह जो भी धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, इनका विकास अपने आप में न सिर्फ कारोबार को बढ़ाता है बल्कि बहुत सारा ऐसा काम है जो इसके जरिए आगे बढ़ता है। बात सिर्फ व्यापार की ही नहीं है, इसके अलावा चाहे वो लोगों के रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि की बात हो, अर्थव्यवस्था के लिहाज से उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफ़ी निचले पायदान पर था, आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ा हुआ है निवेश के मामले में। तो ये ऐसे नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है, इसके लिए बाकायदा योजनाएं बनाई गई हैं और उनको मूर्त रूप दिया गया है, जिसका नतीजा है कि इस तरीके की स्थिति आज यहाँ पर देखने को मिलती है कि चाहे वो काशी के परंपरा जैसे यहाँ पर बनारस की साड़ियाँ हैं या बगल में कालीन का उद्योग है। देखिए शेखर, जिस दौरान इनकी घोषणा की गई थी 2019 में जब पीएम मोदी वहां गए थे, तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी इतना भव्य और दिव्य तोहफा जो है वो वहां के लोगों को मिल जाएगा, न सिर्फ काशी बल्कि समूचे विश्व को ये बहुत बड़ा तोहफा पीएम मोदी की ओर से मिला है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शेखर आनंद, और मदन आपका भी शुक्रिया। माँ गंगा के बुलावे पर पीएम मोदी काशी आए और यहीं के होकर रह गए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद मिला तो माँ गंगा के बेटे की जिम्मेदारी भी बढ़ गई। पीएम ने काशी के कायाकल्प का जो संकल्प लिया था उसे पूरा भी किया, और इस संकल्प के तौर पर देखते हैं कि पीएम मोदी की काशी किस तरह से बदल गई है, और इसी काशी से पीएम मोदी ने जीत का आशीर्वाद भी लिया है। तो वहीं पीएम मोदी ने दिल्ली की गद्दी फतेह की है, देखिए इस रिपोर्ट। काशी जितनी पुरानी उतनी ही पावन, आस्था की नगरी और मुक्त की भूमि। पौराणिक कथाओं की माने तो काशी भगवान भोले की त्रिशूल पर बसी है, और खुद बाबा भोले यहां ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है, जिस काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। वो काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले 7 सालों से कर्मस्थली है। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए यहां से पर्चा भरा, और इस दौरान उन्होंने खुद को गंगा पुत्र बताया था। आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। और एक बालक जैसे अपनी माँ की गोद में वापस आता है,
वैसी मैं अनुभूति कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की खासियत है कि वो जिस जगह जाते हैं उस जगह को अपने से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। काशी में उन्होंने यही किया, वाराणसी, गंगा मैया और अपने आप को इस कदर जोड़ लिया कि लगा ही नहीं कि वो गुजरात से आए हैं। इस कनेक्शन का आशीर्वाद भी उन्हें मिला। वाराणसी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपना सांसद चुनकर लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा दिया और मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। सांसद चुने जाने और प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का वाराणसी आना जाना लगा रहता है। 7 साल पहले तक काशी आने वालों को सबसे बड़ी समस्या यहां फैली गंदगी से होती थी। 2014 में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी समस्या के निदान के लिए स्वच्छता अभियान पर विशेष ध्यान दिया। महात्मा गांधी के जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने इस अभियान का आगाज किया और अपने संसदीय क्षेत्र के 80 घाट पर पहुंचकर उन्होंने खुद सफाई का बीड़ा उठा लिया। ऐतिहासिक नगरी के तौर पर वाराणसी दुनिया भर में विख्यात है। इसकी अति प्राचीनता और पौराणिकता देखने समझने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ के काशी विश्वनाथ मंदिर में खास तौर पर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नरेंद्र मोदी भी अक्सर इस मंदिर में जाकर मत्था टेकते हैं और गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। बाबा भोले का आशीर्वाद लेने के साथ साथ नरेंद्र मोदी काशी के कोतवाल के सामने भी हाजिरी लगाने से नहीं चूकते। काशी के कोतवाल यानी काल भैरव मंदिर मान्यता है कि भगवान भैरव का दर्शन किए बगैर बाबा विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। साथ ही किसी भी शुभ कार्य करने से पहले यहाँ रहने वाले काशी के कोतवाल बाबा भैरव की आज्ञा लेनी पड़ती है। यही वजह है कि 2019 में नामांकन से पहले नरेंद्र मोदी ने काल भैरव भगवान की भी पूजा की थी। 2014 के पहले वाराणसी की पहचान संकरी गलियों और गंदगी से भरे घाटों से होती थी, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी की जीत के बाद हालात बदल गए। काशी के मंदिर तो अब उसी जगह हैं, लेकिन वहां विकास और सफाई की नई तस्वीर देखने को मिलती है। 2014 से 2019 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां कई योजनाएं शुरू की। 2019 में प्रधानमंत्री ने मेरी काशी नाम की एक किताब का विमोचन किया, जिसमें 4 सालों के दौरान काशी में हुए विकास के बारे में लिखा गया। इसमें बताया गया कि काशी पहले कैसी थी, इन 4 सालों के दौरान इसमें क्या क्या बदलाव हुए। ।2019 में दोबारा जीत का झंडा बुलंद करने के बाद जब नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी गए, तब सड़क पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क पर तिनका रखने की जगह नहीं बची। उनका ऐसा भव्य स्वागत हुआ कि मोक्ष नगरी मोदी मोदी के नारों से गूंज उठी। आम लोगों से मिले वोटों के आशीर्वाद के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा भोले के दरबार में आशीर्वाद लेने पहुंचे और पूजा अर्चना कर भारत की खुशहाली और बेहतरी की कामना की। ।2020 की शुरुआत में ही दुनिया में कोरोना वायरस ने दस्तक दी। लॉकडाउन और आने जाने पर प्रतिबंध की वजह से प्रधानमंत्री मोदी भी महीनों तक दिल्ली से बाहर नहीं निकल पाए। हालांकि साल के आखिर में जब कोरोना का इम्पैक्ट कम हुआ तो पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलने वाराणसी पहुंच गए। यहां पीएम मोदी ने देव दीपावली मनाई और 15 लाख दीयों से काशी जगमगा उठी।
और तो और लेजर शो काशी की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। काशी को सजाने संवारने के साथ साथ इन 7 सालों में पीएम मोदी ने वाराणसी में विकास के खूब काम किए, खूब मेहनत की। उनके विजन और मेहनत की वजह से वाराणसी की सूरत बदलने लगी। यहाँ की सड़कें चौड़ी होने लगी, रोशनी की व्यवस्था दुरुस्त हो गई, तमाम तरह की योजनाओं से यहाँ विकास की नई इबारत लिखी जाने लगी और इन सब की वजह से यहाँ के लोगों का मोदी में हो जाना लाजमी है। काशी को सजाने और संवारने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। उन्हें पता है कि मोक्ष नगरी में विकास की नई तस्वीर कितनी जरूरी है और यही वजह है कि 2014 के बाद से अब तक 2 दर्जन से अधिक बार प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और उनकी हर यात्रा में काशी को नई सौगात मिलती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बदलती हुई काशी की ये तस्वीरें वाकई हर किसी का दिल जीत रही हैं, हर किसी को एक बार फिर से मोहित कर रही हैं और महादेव के प्रति जो गाढ़ आस्था है उससे और ज्यादा प्रगाढ़ कर रही हैं।